साहिबगंज जिले के मंडरू प्रखंड के अमझोरी पहाड़ निवासी। दो वर्षों से लोगों को न्याय दिलाने के लिए समुदाय संवाददाता के रूप में काम कर रही है। अक्टूबर 2015 को ट्रेन से करमडोला स्टेशन लौट रही थी, जहां पर संध्या 7 बजे के आसपास के साथ 3 लड़कों ने छेड़खानी कर मारपीट की और बलात्कार करने का प्रयास किया। 28 अक्टूबर 2015 को क्या हुआ था आपके साथ? यहां करमडोला ने से हम फोन से अपने पति को फोन किए और वो आया था हमको रिसीव करने। फिर मेरा भाई भी था और मेरा पिताजी, हम लोग जा रहे थे चारों, हम लोग दौड़ के आए, मेरा पिताजी को डंडा देने लगा और मेरा पर्स था साइड पे, वो सभी छीना हमसे, मैंने गलत काम करने के लिए जंगल की तरफ खींच के लेके गया दोनों आदमी। ने आवाज़ देकर लोगों को बुलाने का प्रयास किया, तभी वो लोग वहाँ से भाग निकले। नज़दीकी थाना मिर्जा चौकी में खबर की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, जिसके बाद दूसरे दिन कम से कम 250 लोगों को लेकर अपराधी के घर के घेराव के लिए निकली। 29 अक्टूबर 2015 को संध्या 5 बजे FIR ली गई। मेडिकल जांच भी हुआ आपका? हाँ हुआ था, वहाँ गए थाना में खबर मिला तो बड़ा बाबू ही हम लोगों को मदद किए थे, मेरा पिताजी का जांच हुआ, फिर मेरा भी। अच्छा, घटना के 4 दिन बाद एक मीटिंग रखा गया था जहाँ पर 4 थाना प्रभारी थे, DSP साहब भी आने वाले थे, उस जगह उन्होंने क्या बोला था, कितने दिन में अरेस्ट करने की बात हुई थी? उन लोग तो बोल रहे थे मैंने 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर ही करेंगे। आए दिन जो भी घटना घटी है वो उसमें दारू पीने का कोई ना कहीं कारण है, वो सारी समस्या को हम लिख लिए हैं और इसको हम अपने माध्यम से ऊपर तक पहुंचाएंगे, जो केस से संबंधित है उसमें यथाशीघ्र जो वांछित है उसको अरेस्ट करेंगे। के बाद वो लोग गिरफ्तार हुआ तीनों? 5 मियां का तो हुआ है गिरफ्तार, और दो? दो तो नहीं, उन लोग कहीं भागा हुआ। तो बताए नहीं कुछ अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ, आप पूछे? हाँ उससे पूछे तो बोल रहे हैं हम लोग तो उसमें लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं मिला। आपको क्या लगता है उस जगह पे अभी भी वैसा घटना घट सकता है दोबारा? क्यों नहीं, उन लोग अभी तक पकड़ा नहीं है तो। और वहाँ पे और भी लोग छिप के बैठते हैं, शराब बिकती है, पीते हैं वहाँ पे? शराब तो बिकती है, खुलेआम बिकती है वहाँ। अब तक एक ही अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, 2 अपराधी अभी भी उसी जगह पे आना जाना कर रहे हैं लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए आप सभी वीडियो देखने वालों से मैं विनती करती हूँ कि साहिबगंज जिले के आरक्षी अधीक्षक महोदय को मोबाइल नंबर 9470591081 पर कॉल करके इस समस्या से अवगत कराएं। मैं शिखा कुमारी पहाड़ी, जिला साहिबगंज, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।